भारत माता की। अरे भाई मोदी जी ने 370 हटाई है, ऐसी आवाज होगी क्या? यहां से नरेंद्र मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। हरियाणा में विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और हरियाणा के प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन जी, हमारे तेज तर्रार युवा प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सुभाष बराला जी, इसी मैदान पर जिनको मैंने भाजपा का सदस्य बनाया था और भाजपा के अंदर दूध में शक्कर की तरह जो मिल घुल गए हैं, ऐसे हमारे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, यहां के लोकप्रिय सांसद रमेश कौशिक जी, हमारे सभी बैठे हुए लोकसभा के सदस्यगण, वरिष्ठ मंत्रीगण, विधायकगण, प्रदेश के सारे पदाधिकारी जो दाएं बाएं के मंच पर बैठे हैं और आज जींद में इतनी बड़ी संख्या में इतनी धूप में आए हुए प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को नमस्कार। 5 साल पहले इसी मैदान पर मैं चौधरी साहब को भाजपा का सदस्य बनाने के लिए आया था, उसके बाद भी 2 बार आया और आज चौथी बार आ रहा हूं। पहली बार आया तब 47 सीटों के साथ भाजपा सरकार बनी थी, आज आया हूं। मैं आह्वान करना चाहता हूं अब की बार 75 सीटों के साथ मनोहर लाल खट्टर सरकार बनाई। मित्रों, जयंती देवी की इस पावन धरती पर आकर हमेशा मैं ऊर्जा प्राप्त कर गया हूं। महाभारत काल में जब युद्ध हुआ महाभारत का, तब पांडवों ने विजय देवी जयंती देवी का मंदिर का निर्माण यही भूमि पर कराया था और मनोहर जी हमारे कुछ ही दिनों में चुनाव की यात्रा शुरू कर रहे, इसके पहले ये रैली यही भूमि पर रखी है। ये चुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, इसका मुझे भरोसा। मैं तो हरियाणा में जब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते झोली लेकर आया, हरियाणा वासियों ने मेरी झोली बड़े प्यार से कमल के फूलों से भरकर मुझे वापिस भेजा है। मैं विधानसभा चुनाव में आया, आपने पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी। मैं लोकसभा में आया, इतना प्यार दिया कि मोदी जी के नेतृत्व में 300 पार हरियाणा की जनता ने हमें करा दिया, हरियाणा की जनता ने करा दिया। और इस बार भी जब चुनाव होगा, मुझे मालूम है कि वीर भूमि फिर से एक बार मोदी जी को आशीर्वाद देगी, हमारे मनोहर लाल जी को आशीर्वाद देगी। मित्रों, अभी अभी मोदी जी की सरकार बनी है, कहने को तो 75 दिन हुए हैं, मगर जो सरकारें 5 साल में काम नहीं करती है
वो काम मोदी जी की सरकार ने 75 दिन के अंदर पूरा करने का काम, सबसे बड़ा काम जो सरदार पटेल का स्वप्न था, ये पूरा देश एक अखंड भारत बने, एक रस भारत बने, और इसमें धारा 370 विघ्न था। धारा 370 देश के मुकुटमणि कश्मीर को कहीं न कहीं भारत के साथ जुड़ते हुए रोकने का एहसास कराती थी। हम तो उस वक्त भी मानते थे कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, मां भारती का मुकुटमणि है, मगर धारा 370 कहीं न कहीं एक संदेश देकर जाती थी, अभी भी कुछ अधूरा है। और 70 साल तक, 72 साल तक कांग्रेस की सरकारें जो वोट बैंक की लालच में नहीं कर पाई, मोदी जी ने 75 दिन के अंदर पूरा कर धारा 370 को समाप्त कर दिया। 370 और 35 से हटना भारत की एकता और अखंडता के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर। अब कोई विघ्न नहीं रहा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कामाख्या से लेकर कच्छ तक आज मां भारती आनंदित है कि मोदी जी ने धारा 370 और 35 को हटाया है। और मैं आज जिनकी रैली से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए, लेह और लद्दाख के विकास के लिए जो कोई भी रोड़ा था वो हट गया है, और मोदी जी के नेतृत्व में ले लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये पूरा क्षेत्र विकास के रास्ते पर आगे बढ़ पड़ेगा, आतंकवाद से मुक्त होगा। मित्रों, धारा 370 हटाना अपने आप में बहुत बड़ा काम है, और वो काम वो ही कर सकता है जिसके मन में वोट बैंक की लालच न हो, वो काम वो ही कर सकता है जिसके मन में स्पष्टता हो। और मुझे गर्व है मेरे नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी वोट बैंक की लालच में नहीं पड़े, उन्होंने हमेशा फैसले मां भारती के अच्छे के लिए, देश के अच्छे के लिए लिए। और आज 75 दिन के अंदर ही मोदी जी के इस पराक्रम के कारण 370 इतिहास का हिस्सा बन पड़ी है, 35 इतिहास का हिस्सा बन पड़ी है। मित्रों, ये इतना बड़ा काम मोदी जी ने किया है, कई सालों तक सरकारें चले तो भी कोई सोच नहीं सकता था वो मोदी जी ने 300 पार करते ही 370 वोट से 370 को हटाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अभी अभी लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की घोषणा कर दी, कारगिल के युद्ध के समय से सेकटकर टास्क फोर्स ने इसकी सिफारिश की थी, सरकारें आई गई मगर फैसला नहीं कर पाई कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं को एकीकृत करने के लिए, तीनों सेनाओं के कोऑर्डिनेशन के लिए युद्ध के समय पर तीनों सेनाएं एक अंग बनकर दुश्मन के दांत खट्टे करे, इसलिए ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जरूरत थी, मगर बाकी सरकारें नहीं कर पाई। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा कर दी कि इस देश को जल्द ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिलेगा। मैं मानता हूं इससे हमारी रक्षा क्षमता अनेक गुना बढ़ जाएगी। थल सेना, नभ सेना और जल सेना अलग अलग काम करते हैं तो उसकी अलग अलग शक्ति तो होती है, मगर एक ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नेतृत्व में तीनों सेनाएं एक अंग बनकर काम करेगी, ये दुश्मन के लिए व्रज से कम नहीं होगी, व्रज का आघात
सहन करने की किसी दुश्मन में ताकत नहीं होती। मित्रों, ये 75 दिन के अंदर ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देश के हर किसान को पहुंच गई। घट्टम के अंदर मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सिर्फ छोटे किसानों के लिए करा था, अब छोटे मझले बड़े सभी किसानों को किसान सम्मान निधि पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। हमारे देश के छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार, रिटेल ट्रेडर्स, कभी उनके लिए कोई सरकारों ने नहीं सोचा था, नरेंद्र मोदी सरकार ने यही 75 दिन के अंदर उनकी पेंशन योजना को मंजूरी देकर किसान और व्यापारी, छोटा व्यापारी दोनों के बुढ़ापे की चिंता करने का काम किया है। सरकार के शपथ के साथ ही जल मंत्री, जल मंत्रालय का गठन किया, पानी पीने से लेकर किसान के खेत तक सब जगह पानी की हम जरूरत, मैनेजमेंट का चिंता करेगा, उन नदियों को जोड़ने का भी काम करेगा, वो किसानों को माइक्रो इरिगेशन के क्षेत्र में भी ले जाएगा, वो बारिश के पानी को रोकने का भी काम करेगा, वो पानी कम खर्च करने के लिए जागरूकता बढ़ाने का भी काम करेगा, वो स्कूलों के अंदर स्वच्छ पानी मिले, हर घर के अंदर नल से पानी मिले 5 साल के अंदर, इसकी भी चिंता ये जल शक्ति मंत्रालय करा हुआ। और ग्रामीण भारत के अंदर 25 लाख करोड़ का निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में करने का फैसला ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मछली पालन के लिए बहुत बड़े फैसले लेकर एक अलग विभाग गठित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। हरियाणा के लिए भी बहुत कुछ किया है, मगर मैं आज यहां आया हूं हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर को साधुवाद देने के लिए आया हूं, बधाई देने के लिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो हरियाणा जमीनों के व्यापार के लिए जाना जाता था, जो हरियाणा की सरकारें बिल्डरों के हाथ की कठपुतलियां बनी थी, जो हरियाणा की सरकार में नौकरी एक व्यवसाय बन गया था, लेन देन का पैसा बन गया था, मनोहर लाल खट्टर ने एक ही टर्म के अंदर हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार को भूतकाल बनाने का काम किया। मनोहर लाल जी, हम तो आपको कब से जानते थे, आप कुशल संगठक थे, पार्टी के अंदर संगठन बनाने वाले व्यक्ति की आपकी छवि थी, मगर आपको पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, आपने भ्रष्टाचार भीम शासन कैसा हो सकता है वो दुनिया को दिखाकर हरियाणा का नाम पूरे भारत के अंदर गौरव के साथ लिया जाए, ऐसा करने का काम किया। हरियाणा जो जातिवाद से ग्रसित था, एक आता था तो एक जाति की बात करता था, दूसरा आता था तो जातियों के समूह की बात करता था, हरियाणा के अंदर मनोहर लाल मुख्यमंत्री ऐसे आए, सब लाल जाने के बाद ये हमारा लाल आया, और ऐसा आया कि इसने जातिवाद को समाप्त कर देगा। नौकरियां जाति देखकर नहीं ली जाती थी, विकास जाति देखकर नहीं किया जाता, हर गांव के अंदर विकास पहुंचे, हर योग्य व्यक्ति को नौकरी मिले, जाति के बगैर, भ्रष्टाचार के बगैर आज 50,000 से ज्यादा युवाओं को घर में अपॉइंटमेंट लेटर देने का काम मनोहर लाल खट्टर ने। एक ट्रांसफर इंडस्ट्री चलती थी, ट्रांसफर करने के लिए लेन देन होते थे, कंप्यूटर के आधार पर, योग्यता के आधार पर ट्रांसफर कराकर मनोहर लाल जी ने हरियाणा के सभी लोगों को एक राहत का संदेश। मुझे याद है मुख्यमंत्री बनने के बाद एक साल में आया था, सारे विधायक और पदाधिकारियों ने मुझे पकड़ा था कि हमारे कहने से ट्रांसफर नहीं होते, मैंने कहा था कि मनोहर लाल जी आप हौसला रखिए,
जो लायक है उसका ट्रांसफर होने चाहिए। भाजपा कार्यकर्ता अपने परिवार की बात करते हैं, भाजपा ने पूरे हरियाणा को अपना परिवार समझना चाहिए और मनोहर लाल जी ने इसी तरह से काम किया। केरोसिन मुक्त राज्य, मैं गुजरात से आता हूं, आज भी पूरा गुजरात केरोसिन मुक्त राज्य नहीं हुआ है। मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा केरोसिन मुक्त राज्य बन चुका है। बहुत बड़ी उपलब्धि, भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंका और एडमिनिस्ट्रेशन के हर मायने में बहुत अच्छे काम। महिलाओं के पुलिस थाने जब खट्टर सरकार बनी 2 से, आज 2 से बढ़कर 31 महिलाओं के पुलिस थाने बने। महिलाओं के लिए बस की सेवाएं एक भी नहीं थी, आज 181 रूम सिर्फ और सिर्फ माताओं बहनों के लिए चालू करने का काम मनोहर लाल खट्टर ने किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिंग अनुपात 871 पर था, देश में सबसे नीचे था। 5 साल के अंदर लिंग अनुपात 871 से बढ़कर 918 बने हैं, देश में सबसे ऊपर बड़े मैदानी राज्यों में हरियाणा का है। मित्रों, ऑनलाइन ट्रांसफर शून्य थी, आज 62,000 लोगों की ऑनलाइन ट्रांसफर हो चुकी है। आशा वर्कर को 500 रुपया मिलता था, आज 4,000 रुपया मिलता है। आंगनवाड़ी सहायक को 3,500 मिलता था, 10,286 रुपया खट्टर सरकार देती है। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को भी 10,000 रुपया देती है और शहीद और परिवारों की मदद के लिए सैनिक और अर्ध सैनिक बल के परिवारों को 20 लाख रुपया मिलता था, ये वीरभूमि के मुख्यमंत्री ने 20 लाख को बढ़ाकर 50 लाख रुपये तक शहीद के सम्मान के लिए काम किया। प्रति व्यक्ति आय जो राज्य कैसा चलता है उसकी झोंक होती है। पहले प्रति व्यक्ति आय 1,45,000 रुपया थी और आज 1,35,000 से बढ़कर 2,26,644 रुपया करने का काम मनोहर खट्टर की सरकार ने। हरियाणा के अंदर 24 घंटा बिजली स्वप्न थी, आज 8 जिले और 4,000 गांवों में 24 घंटा बिजली पहुंच चुकी है। मित्रों, किसान को गन्ने गेहूं बाजरा सूरजमुखी लगभग 2-2 गुना समर्थन मूल्य देने का काम मनोहर लाल खट्टर सरकार ने किया है। प्रति व्यक्ति दूध की खपत जो सूप को दर्शाती है, पहले 747 ग्राम था, अब 1 लीटर से ज्यादा 25% की बढ़ोतरी मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने। और बिजली पर सरचार्ज सरकार का 77 पैसे से 1.32 रुपये तक था, आज 77 और 1.32 से घटाकर 37 पैसा सिर्फ बिजली पर सरचार्ज करने का काम मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने। मित्रों, नीचे आपने मनोहर लाल खट्टर की सरकार बनाई और ऊपर मोदी जी की सरकार बनाई और मोदी जी का हरियाणा के लिए जो प्यार है वो कोई छिपा प्यार नहीं है। मोदी जी हरियाणा को अपना राज्य मानते हैं, हरियाणा के विकास में। मैं सिर्फ जींद की बात करता हूं, चौधरी साहब यहां बैठे हैं, 64 फुट का दीन बंधु छोटू राम की मूर्ति का अनावरण करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में। हिसार के अंदर बहुत जल्दी एविएशन सेवा एयरपोर्ट शुरू होने जा रहा है और हिसार भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित हो। इस तरह से 200 करोड़ के निवेश के साथ हिसार एयरपोर्ट को बनाए। 35 किलोमीटर लंबी जींद हाथी रेल लाइन और 900 करोड़ रुपया उस पर लगाया। जींद रिंग रोड बाईपास का निर्माण पूरा होने वाला है, जो पिछले 3 साल में नहीं हुआ 3 साल के अंदर पूरा होगा। जिनसे सोनीपत तक
ग्रीनफील्ड हाईवे का निर्माण कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। 509 करोड़ की लागत से पुराने सोनीपत जींद तक जुड़ी हाईवे को फोर लेन करने का काम भी हाथ में ले लिया है। जींद से पानीपत और जींद से दिल्ली रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन भी शुरू हो चुका है। एक ही साल के अंदर ये इलेक्ट्रिफिकेशन समाप्त हो जाएगा। जींद से बठिंडा तक की रेलवे लाइन भी इलेक्ट्रिक लाइन बनने वाली है। जींद शहर में 3 बड़े ओवरब्रिज बनाने का काम शुरू हो गया है। आप वोट डालोगे तब तक उस पर से आपकी गाड़ी जाए, इस प्रकार की व्यवस्था करने का काम। 2 अंडरपास बनाए हैं और 400 करोड़ की लागत से जींद में पानी लाने के लिए कैनाल का निर्माण भी शुरू हो चुका है। मित्रों, जींद शहर में नए बस स्टैंड का काम पूरा हो गया है। स्टेट हाईवे 10 का निर्माण 135 किलोमीटर जो जींद बरवाला अकलोहा आदमपुर और भादरा को जोड़ता है वो भी शुरू हो चुका है। और हॉकी स्टेडियम का निर्माण भी 10 करोड़ के रूपये से जींद के अंदर इसी क्षेत्र के अंदर शुरू करने का काम किया है। लगभग 600 से ज्यादा युवाओं को नौकरी भी दी है। और प्रधानमंत्री जी ने सबसे बड़ा काम किया है, हरियाणा के लिए दिल्ली के खजाने खोल। कांग्रेस के सारे नेता और चौटा लाइन कंपनी, उसको मैं पूछना चाहता हूं, जब आपकी सरकारें होती थी कितना रुपया हरियाणा को मिलता था? भाई हिसाब लेकर चुनाव के मैदान में जाइए। मनोहर लाल जी आंकड़े लेकर जाएंगे, हम आंकड़े लेकर जाएंगे। 13 फाइनेंस कमीशन था, हुडा की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार, दोनों जगह कांग्रेस की सरकार। और 5 साल में 13 फाइनेंस कमीशन में आपने 22,000 करोड़ रुपया दिया। जोर से बोलो जींद वालों, कितना दिया? मैं फिर से बोलता हूं, 22,000 करोड़ रुपया कांग्रेस ने दिया था, 22,000 करोड़। जोर से बोलो, कितना दिया? नरेंद्र मोदी सरकार और खट्टर सरकार आई 14वें वित्त आयोग में 14 से 19 तक 22,000 करोड़ से बढ़ाकर 58,000 करोड़ रुपया हरियाणा को देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। लगभग 2.5 गुने से ज्यादा पैसा दिया। और इससे पूरे हरियाणा के रोड, रस्ते, गांव, शहर सबको आगे बढ़ाने का काम किया। तो मेरे पास इतना लंबा सूची है पूरे हरियाणा का पढ़ू तो 7 दिन तक मुझे भागवत सप्ताह बिठानी पड़े, मगर मेरी सूची खत्म नहीं। मित्रों, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें, नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल खट्टर ने विकास को दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ाने का काम किया है। और अभी श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण जो धारा 370 को हटाने का काम हुआ है, मैं मानता हूं हरियाणा के शहीदों को इससे बड़ी कोई श्रद्धांजलि हो ही नहीं सकती। मित्रों, हो ही इस वीर भूमि के जितने जवान मां भारती की सेवा करते हुए, रक्षा करते हुए शहीद हुए, वो सबको श्रद्धांजलि देने का काम अपने काम से भूल की नहीं, अपने काम से श्रद्धांजलि देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, आज अटल जी का पुण्यतिथि, 16 अगस्त एक साल आज उनका समाप्त हुआ। अटल जी की आत्मा जहां पर भी होगी श्री नरेंद्र मोदी को हृदय से आशीर्वाद देती होगी कि 370 आपने हटाने का काम किया जो मैं अधूरा छोड़ कर गया। मित्रों, आज मैं जींद के अंदर चौधरी साहब को शामिल कराने के लिए आया था। चौधरी साहब भाजपा के अंदर इतने घुल मिल गए कि कांग्रेस वालों को परेशानी होती है कि चौधरी साहब को क्या हुआ है। मैं उनको कहना चाहता हूं, परेशान मत हो, भाजपा
से लोग आते हैं, सभी का हम स्वागत भी करते हैं और सम्मान भी करते हैं। मित्रों, आज मैं यहाँ आया हूँ, मौका तो जीत की रैली का है। इस मौके का फायदा उठाकर हरियाणा के हर मतदाता को मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करने आया हूँ कि इस बार हमें 47 सीट नहीं चाहिए। 47 सीट आपने भी हम पर बड़ा उपकार कर दिया, मगर इस बार 47 सीट नहीं चाहिए, 75 सीट मिलेगी तभी भारतीय जनता पार्टी का विजय माना जाएगा। और ये हमारा मिशन 75 हरियाणा की जनता के आशीर्वाद के बगैर पूरा नहीं। मैं आज हरियाणा की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर 5 साल के अंदर हरियाणा के अंदर आमूलचूल परिवर्तन करें, परंतु एक और 5 साल दे दीजिए, हरियाणा वासी को मालूम पड़ जाएगा कि भाजपा की सरकारें कैसे चलती है। ये अगले 5 साल में एक नींव डालने का काम, मजबूत नींव डालने का काम 5 साल में भाजपा सरकार ने, खट्टर सरकार ने किया है। ये नींव पर एक बुलंद इमारत बनानी है, जो बुलंद इमारत से इतनी ऊंची हो वहां से सीधा कश्मीर दिखाई पड़े, इतनी बुलंद इमारत बनानी। मुझे बताओ भाइयों बहनों, 75 पार का जो मिशन है भाजपा का, वो आप लोग सफल बनाएंगे? जरा मुझे सुनाई कम पड़ रहा है, जोर से बोलो, बनाएंगे? भाजपा सरकार बनाएंगे? फिर से खट्टर जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? दो तिहाई बहुमत से जिताएंगे? तो नरेंद्र मोदी जी को 370 और 35 से हटाने के लिए धन्यवाद करने के लिए हाथ ऊपर उठाइए, मुट्ठी भीजिए,